subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. तेरे बस की बात नहीं होए तू नहीं हो सकता भर्ती चल आ जा रे पे चल ना तेरी बॉडी चौड़ी ना तू भाग सके हैं तू वही काम कर जो तू कर सकता है तू बकरियां चारता तू बकरियां चार सिर्फ भाई बकरियां चारने के लिए नहीं हुआ पैदा मैं अच्छा बंदूक उठाई जाएगी तेरे से Bas, जल्दी कर यार दूध भी गाड़ना ना जी अरे यार यासिर भाई बंदूक है ना वैसे मैंने भी बड़ी उठाई है मुजाहिदीनों की अच्छा बन जा फिर मुजाहिदीन अस्सलाम वालेकुम सलाम ना वो पांच रुपए की गरी थे दस रुपए का छुआरा दे मुझे पैक करूं तो यो तोड़ो चाह तो बिशीर कराटी का छोड़ा नहीं इसलिए देर होगी ना ये देर ही है तीना पांच मिनट तेरा लगेगा अकाउंट छोड़ गया वो बिशीर कराटी तो नजदीक है तीना तपाली तीना लेकर जो चाहता तकलीफ है तीना चाह चाह यो छोड़ा चलो तेरा सामान पैक करूं पैक करके तरह ले जाइए जी
जी जी छट कर जल्दी कर। अच्छा तुम काट के रख वो सामान तेरे पैक क्या करने पैक तू ये ले जा छोड़ गया जल्दी कर चिका देता अगर मैंने तो हां बिल्कुल बिल्कुल तेरे चिकाओ तेरे चाता तकलीफ है ए बोरी नहीं जा सकता कांज को काम कर रहा है जिंदगी ना जी बड़ी ठीक ठाक सी गुजर रही थी ना कोई परेशानी ना कोई स्यापा बस अपनी बकरियों के साथ जंगल चला जाता था दिन में बकरियां चारो अपने दोस्तों के साथ मैच खेलो कदे कदे वीडियो हॉल भी चला जाता था फिल्में देखने आज देवगन बड़ा पसंद था जी मेरे को उर्दू थोड़ी अच्छी ना हो तो माफ़ करना सारे बोलते हैं मैं गुलाबी उर्दू बोलता हूँ बेफिक्रा होकर दरिया के एक तरफ से गटियाँ उठा के दूसरी तरफ मारता था जी और देखता था कि पानी के ऊपर से चलती हुई गट्टी पार होगी कि नहीं और हर बार थोड़े से फासले और शाम को रामशा चाचा की दुकान के बाहर रेडियो पर क्रिकेट मैच सुनना भी बड़ा अच्छा लगता था मगर एक बात की समझ नहीं आती थी कि सारे पाकिस्तान के लिए क्यों दुआएं करते हैं जहां तक मुझे पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं मगर जो भी हो जीत हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की मज़ा बड़ा आता था आप यहां पे एक राउंड रोज लगाते हैं कोई बात नहीं अजीत साहब आप आ गए हैं खोफ ही खोफ होगा बेटा ठीक है ओए छोटे जी जनाब जा बोतल लेके आ जी जनाब ओए इधर आ ओए क्या जी जनाब यहां के मौलवी ने तो बंद कर दिया यहां का ठेका अब तो कौन से लाना पड़ेगा ओए मादरचोद पत्थर मारते हो ओए बहनचोद गाली देते हो वालेकुम सलाम सुना कल तेरे इलाके में कोई पथराव हुआ यार पथराव नहीं ये बच्चे बोल रहे थे यार पता नहीं बच्चे ऐसे मखौल करते रहते हैं अच्छा मेरी फोटो तैयार होगी भाई देखता हूँ भैया आज मत बोलना कि फोटोज रेडी नहीं है ना जी आपकी फोटो तो रात को ही निकाल के रख दी थी मैंने हाँ ये लीजिए थैंक यू भाई जी ये कौन थी दफा हो जा भाई मास्टर साहब की बेटी है वो कॉलेज में पढ़ती है और तेरे जैसू के मुंह नहीं लगने लगी मैं तो ऐसे मखौल में पूछ रहा था जी वो मेरी फोटो भाई ले ले जा जी और मेरे पैसे तो दे जा कोठे खस मनुखा माया
तेरा तो मिलन ता आ जावा डर लगदा ए छितरा तो मिलन ता आ जावा डर लगदा ए छितरा तो जी मैं हाँ हाँ तू इधर आ मैं जी ओ टकिए ना हाँ जी तू वही है ना जो कल रियाज के शादी में घूर घूर के देख रहा था हाँ जी नहीं जी क्या हाँ जी नहीं जी झूठ बोलता है नहीं देख रहा था अच्छा छोड़ ये बता मैं कैसी लग रही हूँ अच्छा लग रहा है दोस्त बनेगा मेरा नाम क्या है जी आपका चांदनी मैं लतीफ अच्छा एक बात बता जी कभी किसी लड़की को चिट्ठी भेजी है मुझे तीसरी क्लास में भेजी थी एक बार तो चिट्ठी मास्टर ने के हाथ लग गई मास्टर ने इतना मारा कि दोबारा स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है तो स्कूल गया जी अब नहीं पर तुम बकरवाल लोग तो घूमते रहते हो ना कभी इधर कभी उधर नहीं जी वो मेरे अबू ने ना घर ले लिया वो बोलते हैं कि एक ही तो ज़िंदगी है अगर उसको भी अच्छे से ना जिया तो क्या फ़ायदा मना जी पहले भी हम जाते थे फ्री वाले स्कूल में आंगनवाड़ी बोलते हैं जैसे दाखला नहीं होता जी वहाँ पर बस तख्ती बस्ता उठाओ और चले जाओ स्कूल और स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं जी पढ़ो ना पढ़ो पास कर देते हैं साथ में खाना फ्री मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं तीसरी क्लास तक कैसे पहुँच गया क्या हुआ जी नहीं कुछ नहीं और अगर पढ़ लेता तो क्या बनता मैं तो जी पुलिस वाला ही बनूंगा मतलब तीसरी क्लास वाले बन जाते हैं पुलिस वाले हाँ जी क्यों नहीं वो आजकल मुजाहिदीनों के खिलाफ जो भर्ती हो रही है ना एसपी बोलते हैं जैसे 1500 रुपये महीना और अगर किसी मुजाहिद को मार दो तो तरक्की अलग से मिल जाती है खैर छोड़ ये बता तुम मेरे लिए क्या कर सकता है आपके लिए तो पुलिस वाला ही बनूंगा जी पुलिस वाला जी पर मुझे तो मुजाहिदीन बड़े पसंद है बनेगा शकल देख अपनी उल्लू दे पठिया जल्दी कर ना
ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਸੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸੀ ਹੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਸਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜਾਊਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਐ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲਗਾ ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਠਾ ਚੱਲ 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 ਜਾ ਯਾਸਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ वाह यार लतीफ है तेरी तो ऐश यार हमें देख ले बीए पास आदमी हूँ ना नौकरी मिली ना लड़की ये बंदूक उठाए फिरते रहते हैं इन्हीं जंगलों में और तू तीसरी फेल आदमी ये डीला सा बदल लेके बकरियाँ चराता रहता है सारा दिन और बफलियाज की सबसे खूबसूरत लड़की तेरे से प्यार करती है ना हो कैसा जाता है ऐसा मतलब ना शक्ल देखी ना कल उम्मीद में अभी शक्ल का मजाक ना उड़ाओ अभी सीरियस हूँ मैं अच्छा भाई हम भी सीरियस हो जाते हैं ना जवाल कौन सा हो गया जो इस मंदी सी शक्ल को और मंदा करके बैठा है फारूक भाई वो बोलती है कि उसे मुजाहिदीन बड़े अच्छे लगते हैं और मैं उसके लिए मुजाहिद बन जाऊँ उसको सच में मुजाहिद पसंद है हाँ ना मतलब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने का मौका तो मिल गया तुझे साथ में परी फ्री वाह यार चल अक्का से बात करा तुम तेरी बन जा मुजाहिद इसे मुँह लटकाने वाला क्या है मुझे नहीं बनना मुजाहिद उम्मीद भाई क्यों वो यासिर भाई है ना अपने वो बोलते हैं कि मुजाहिद रंडियों की पैदाइश होते हैं हराम के जने होते हैं बच्चों पे जुल्म करते हैं वो कहते हैं कि अगर उनका बस चले ना सारे मुजाहिदों को लाइन में लगा कर ना एक साथ कत्ल करते हैं सबका एक तो आप लोग इस तरह की शक्लें ना बनाया करो आपकी शक्लें देखकर ना बच्चे भी डर जाते हैं आपने मदद करनी है करो नहीं तो मैं ये चला ठहरे तू दोस्त ना होता ना तो गोली मार देता तुझे भी चल ठीक है करूँगा मदद तेरी मगर बदले में आपने उस यासिर भाई से ज़रूर मिलाना है हाँ जी मिलवा दूंगा चल ठीक है वो यार सुना है कि सुरन कोट में जिम खाना खुला है जिम खाना वो अंग्रेजी मशीनें होती है वहाँ पे हाँ। जब मैं जम्मू में बीए कर रहा था ना वहाँ जाता था कसरत किया कर वहाँ बड़ा मज़ा आता है बॉडी बन गई तेरी फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा मगर रमेश भाई मैं वो यासिर भाई की दुकान पर लकड़ियाँ उठाता हूँ तो मेरी कसरत हो ही जाती है ना वहाँ पे और डंगर कसरत करने के कोई तौर तरीके होते हैं ऐसा नहीं लकड़ उठाने से बन जाती बॉडी समझा अच्छा जी क्या कर रहा है तू ऐसे करते हैं और छोड़े और ये बता तू पहन के क्या है ट्राउजर पहना कर मेरी तरह वो देख पीछे देख चल चल छोड़ लेट जा वहां छोड़ जल्दी लेट जा फिरदौस भाई वालेकुम और तू कहाँ आ रहा है आज जिम बंद है और कुछ दिनों के लिए बंद ही रहेगी मगर क्यों फिरदौस भाई सारे पत्थर मारने गए पत्थर मारने गए किसे अरे यार मौलाना साहब ने कहा है कि हिंदुस्तानी आर्मी को कश्मीर से निकालना है अब तो भाई यही करना है रोज सड़कों पर जाओ और पत्थर मारो हट जरा क्या बात कर रहे हो फिरदौस भाई जो आर्मी गोली बारूदों से नहीं डरती उसे पत्थरों से भगाओगे तुझे मैं नहीं समझा सकता नहीं भाई कुछ दिन के लिए जिम बंद है और तू भी नहीं आएगा मैं भी नहीं आऊँगा समझा आप भी पत्थर मारने जाओगे ओ हाँ भाई मैं भी जाऊँगा पत्थर मारने आपको डर नहीं लगेगा सुना आर्मी वाले तो टुआ कुटते हैं वहाँ सुन मोहल्ले वाले ना सारे मुझे नामर्द करते हैं कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता अब मैं पत्थर नहीं मारूंगा मैं पत्थर मारने वालों के पीछे खड़े रहूँगा सुना है 50-50 रुपये मिलते हैं रोज़
चल ठीक है जा। बड़ी अजीब अजीब सी बातें होने लगी थी। लोग सड़कों पर निकल आते थे पत्थर मारने के लिए, फिर आर्मी की गोलियां चलती थी। इस सारे किस्से में ये समझ नहीं आता था कौन सही है और कौन गलत। आपके लिए ना गानों की कैसेट लाया था जी। कैसेट जी? इसमें ना जी अजय देवगन के सारे गाने भरवा दिए मैंने। कुमार सानू, कुमार सानू के गाने। वो रियाजी ने ना कोड मारा होगा, फिर वो ना अजय देवगन की फोटो लगा के किसी और के गाने भेजता है। सुन, गाने कुमार सानू गाता है और होंठ हिलाता है अजय देवगन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा चल छोड़, थैंक यू। सुन लक्ष्मी माँ से ना बहुत देर से देखो ढूंढ रही, जल्दी से जा खाना सबको खिलाने, जा 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 जा। आप गाने सुन लेना जी। हाँ जी। क्या चक्कर है, क्यों इस बेचारे को घुमा रही है? तुझे बड़ा तरस आ रहा है? और नहीं तो क्या, वसीम और तेरे झगड़े के बीच में इसको क्यों ला रही है? सुन, अच्छा है ना, जल बुन रहा होगा। और पता है उसके साथ ना फोटो खिंचवा के भेज दी मैंने। हाय रब्बा, तू कितनी कमीनी है। होना पड़ता बेटा, वरना ये मर्द जाता ना सारी उम्र लड़कियों को ना अपने पैरों के नीचे रखते। खैर छोड़, तू नहीं समझी, चल। आसिया को देखा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। सुन ले यार, क्या हो गया, इतनी क्या नाराजगी है? सुन, दफा हो जा मेरी नजर के सामने से, कंजर किसी पास से ना। जरूरत थी यार उस के तो फोटो खिंचवाने की। सुन, मेरी मर्जी और जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी, समझा? मान जाना यार, इतनी क्या नाराजगी हुई? मान जाना, पता है एक महीने बाद अपनी बुद्धि दिखा रहा है, मोटरसाइकिल के आगे हाथ में बड़ा हीरो बना घूमता है। नहीं मानेगी ना? नहीं। अब तू देख मैं क्या करता हूँ उस वक्त। तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, बात कर इससे। ओए इधर आ, तेरा नाम लतीफ है? हाँ जी, मैं ही हूँ। ओ तू तू फटो के जाए, तू तू चांदनी ना फटो, तू चांदनी, तू चांदनी फटो के जाए। चांदनी की चिट्ठी, दो रुपए। और जिसने चिट्ठी दी उसने नहीं देगा? दा कसम उसने एक पैसा नहीं दिया। यारा, मेरे पास तो नहीं है, फारूक तेरे पास है? देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे कौन देगा? अका, आपके पास 2 रुपए तो होंगे, बच्चा है, दे दो। अल्लाह के बंदो, कुछ तो होर खाओ। अब पैसे भी आका देगा, दिन दाड़े बेहयाई, ये लड़कियों की चिट्ठियां, और कुछ तो लिहाज रखो। लिहाज किया तभी तो आपसे 2 रुपए मांग रहा हूँ, वरना बाकी उसे मैं 4 रुपए लेता हूँ। देख क्या रही हो आप? तो बच्चे तेरी शक्ल देख के दे रहा हूँ, लो दे उसे। और अब दिखना नहीं है यहाँ मुझे, अब चिट्ठी भी मेरे सामने ही पढ़ोगे
अब कुछ हया नहीं रही है आप में। कैसा चाहते तो नहीं है हम, पर अभी खाना खा रहे ना तो कहाँ जाएंगे आप, बैठ जाइए यहीं पे आप भी। आप तो इसके साथ तबाह रहोगे, अल्लाह आपको तबाह करने वाला है, आपने तो तबाह होना ही होना है और इन सबको तबाह करके रखोगे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी है बिल्कुल हैरियत से होंगे। आपसे मिलने का दिल तो बड़ा करता है मगर क्या करूँ, बड़ी मुसीबत हो गई है, मेरे घर में सबको पता चल गया है और कल मेरे अबू ने मुझे फांस से मारा भी है और सख्त तौर आपसे मिलने के लिए मना किया है और अब हम कुछ दिन तक नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आप इस बात पर गौर फरमाएंगे। आपकी और सिर्फ आपकी चांदनी। अच्छा तो ये बात है, जिसने तुझे मारा था ना वो इसका बाप होगा, और अगर बाप ही तेरे खिलाफ है फिर तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा सुन, एक ही चारा है, देखा बे काम पे, मुजाहिद बन जा। नहीं नहीं फारूक भाई, अच्छी बात क्या करो, मुजाहिद नहीं बनना मुझे। और सुन मेरी बात, उसे मुजाहिद वैसे ही बड़े पसंद है और जैसे उसके बाप को पता चलेगा कि तू मुजाहिद है तो डर के मारे तेरे रास्ते में नहीं आएगा ना, समझ यार। नहीं नहीं उम्मीद भाई मुझे नहीं समझना, मुजाहिद नहीं बनना मुझे, मैं जा रहा हूँ। सुन तो सही, असली का नहीं झूठी मूठी का बन जा। क्यों उम्मीद भाई? झूठी मूठी का उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? और सुन मेरी बात, मुजाहिद से वैसे ही सब लोग डरते हैं, जैसे तू बंदूक लेके उसके घर के अंदर घुसेगा और सबको साफ साफ कह देगा कि तेरे और उसके रास्ते में जो कोई भी आया तो तू पूरे खानदान को उड़ा देगा, तो सब तेरे रास्ते से बाहर। मुझे डर लगता है उम्मीद भाई, मैं नहीं बनूंगा मुझे। ओ इसमें डरने वाला क्या है, हम सब है ना तेरे साथ और अक्का भी तो मदद करेंगे हमारी। हाँ अक्का भी तो मदद करेंगे हमारी। अक्का और इस खबीज की मदद, इसकी तो शक्ल देखता हूँ और दिन को खाना खाने को नहीं मिलता है, और ऐसा खबीज जिस दिन आए उस दिन काला कपड़ा लेके आया करो, मेरी आंखों के आगे पट्टी बांध दिया करो। ये खबीज सूर का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया, इसने पूरे माहौल को खराब कर दिया है, ये तो खुद तो बर्बाद था और आपको भी बर्बाद करके जाएगा ये। आइंदा इसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ये सूर का बच्चा है, खंजीर कहीं का, ऐसे बंदे को गधे के ऊपर चढ़वा के काले काली कालख लगानी चाहिए। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो लोग उसके बारे में मर जाते हैं, पहली बार ऐसा कर होता है किसी के घर में जाते हैं वो भी तेरी वजह से। कोई बात नहीं आता, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, और आपको डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना आपके साथ। कोई कुत्ता होता तो नहीं होगा उनके घर पर? ओ तू अब आका है हमारा, तड़रक थोड़ी, सीना तान के चल। ओ मैंने पापा को पकड़ लिया, आप बात करिए। मेरी जान आपने बोला था ना मुजाहिद बन जाऊं, मैं बन गया। अबू जान क्यों अपने होने वाले जमाई को परेशान करते हो? अब अगर चांदनी को मुझसे मिलने से रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जानते हो कौन हूं मैं? ओए पता कौन हूं मैं? आका है हमारे, ये कहें तो गोली भी चला दो। नहीं नहीं नहीं, जानते हो किसने भेजा है मुझे? जनाब ओसामा बिन लादेन। और हाँ 21 तारीख के बाद फिर आऊँगा, क्योंकि 21 तारीख को हमारे आका जनाब ओसामा बिन लादेन बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। वीडियो रिकॉर्ड होगी, बंद कर इसको।
दिखाओ अब्बू मैं खाना लगाती हूँ नहीं नहीं खुद अबू नहीं ना चांदनी के घर वालों को डराने वाली बात अब्बू को पता चल गई उस दिन अब्बू ने बहुत मारा यासिर भाई को अभी ये बात पता नहीं थी पता चलने वाली थी क्योंकि 21 तारीख को हमारे रहनुमा ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा काम करने वाले तो ये है आदमी तो बड़ा खतरनाक है ये शक्ल देखिए इसकी शक्ल लोमड़ी है ये लोमड़ी लेकिन देखो कितना चालाक है ये इतने आसानी से हाथ में नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप और अगर हाथ में आ भी गया ना इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा इसे तो हमें जिंदा पकड़ना होगा ताकि हमें ये पता चल सके कि लादेन कहाँ है समझ रहे हो इस साले को तो मैं ही पकड़ूंगा पक्का है वो रहमान भाई आप जाके गाड़ी निकलवाइए ठीक है भाग ले बेटा भाग ले ओ तेरा दिमाग फिर गया है, हैं? तेरे को पता भी है लादेन कौन है अगर लड़की के बाप ने शिकायत कर दी ना तो तेरी वो हालत होगी जो तू सोच नहीं सकता यासिर भाई वो हमीद भाई ने बोला था खतरनाक लगना चाहिए तो इसीलिए मैं चपेट मारूंगा खतरनाक लगना चाहिए तेरे को बहुत बार बोला मैंने इन हरामखोरों से ना दूर रहा कर ये खुद तो डूबेंगे तो रहने दे यार समझा मेरी बात और कुत्ते की मौत मरेंगे ये और तेरे को भी साथ में ले मरेंगे समझा मेरी बात उल्लू का पट्ठा ना हो तो अगर आर्मी वालों को पता लग गया ना तो इतनी गोली मारेंगे जितने तेरे सिर पे बाल भी नहीं खोते यार मैं रख देता हूँ छोड़ यार रख देता हूँ तू मैं खुद ही कर लूँगा और मेरे को एक बात बता ये 21 तारीख को क्या करने वाला तू बड़ा ओ, कुछ नहीं यासिर भाई वो 21 तारीख को उसका पेपर होता है ना तो उसको परेशान नहीं करना चाहता तब तक हाँ तो मेरे को परेशान कर रबना बास्ता तू दफा हो इधर से ठीक है मैं ये लकड़ियाँ लुकड़ी ना किसी और से उठवा लूँगा चल निकल इधर से चल ठीक है जैसे आपकी मर्जी वो यासिर भाई रियाज ने ना नई दुकान खोली है फोटो की तो मैं सोच रहा था आपके साथ फोटो खिंचवा के ना अपने कमरे में लगवा लूँ नहीं नहीं मेरे को नहीं कि तेरे साथ फोटो फाटो खिंचवानी तू जाके ना अपने भीदे मुद्दे रियाज रुझे के साथ उन्हीं के साथ खिंचवा समझा मेरी बात चल निकल इधर से ठीक है जाता हूँ गुस्सा क्यों होते हो नहीं गुस्सा गुस्सा होने वाली बात नहीं था तू निकल मेरे को नहीं जा ना यार दफा हो निकल इधर जितना पुलिस सिखाना था उतना ही चलना एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं चलना बिल्कुल भी साहब ना बहुत गुस्से वाले थोड़ा जल्दी चल जल्दी जय हिंदुस्तान साहब अबे कितनी बार बोला है तुझे जय हिंदुस्तान नहीं होता है जय हिंद होता है क्या जय हिंद हाँ बोलो साहब ये देखो ना मैं कितने बड़े वाले मौलवी लेके आया हूँ ये आपको ना उर्दू सिखाएंगे क्या उर्दू मुझे क्या उर्दू सीखने की जरूरत पड़ गई बे सर डीएसपी साहब की सख्त हिदायत है कि आपको उर्दू सिखाई जाए अच्छा अपना आवाम से बातचीत करने में ना आसानी रहेगी अच्छा ठीक है आजा भाई हमें भी सिखा दे थोड़ी उर्दू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह जनाब मेरा तारुफ है मौलाना फिरदौस अहमद आपकी उर्दू सीखने के बाद यहाँ के नौजवानों में नई उर्द नया जोश नया जलजला नया वलवला नई इज्जत मिलेगी नहीं माने जी जनाब अबे तू कहाँ भाग रहा है बैठ यहाँ पे आज ही पूरी उर्दू सिखा देगा ये नहीं जनाब मैं तो ये कह रहा था कि मैं जिम चलाता हूँ उर्दू तो आपको मेरी बहन सिखाएगी बुलाऊं क्या वो शुरू से सिखाएगी आपको अच्छा बहन हाँ बुलाओ उसको सर बहन बहुत अच्छी उर्दू सिखाती है मैंने भी थोड़ी तेरी उसी से सीखी है क्या बात है चल साईं जल्दी करो बारिश आई जल्दी करियो ओ जल्दी भाइयो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है क्या भैया चाचा ये क्या पढ़ा करें अखबार में लोग अखबार में कोई फोटो आया वो है किसी मिलिटेंट कोई 21 तारीख नाल कोई बड़ो कांड करने वालों है गवर्नमेंट ने इनाम भी उसको रखे हुआ तो छोड़ तू अपनो तोड़ो जाइयो बिशीर काटी का बचा छोड़ दे गला चल चल तू अपनो काम कर इन्हें क्या लगे इस तरह लगता है और तूने तबू लेकर तू नुकसान करके डाल के मेरा नुकसान कर बड़ी नुकसान करके डाल के बोरी आ गया
अमित भाई वो मेरी फोटो लग गई अखबार में, मैं मारा गया, मैं गरीब मारा गया, मैं मारा गया। ठंडरक हुआ क्या है, कौन सा फोटो, कौन सा बोलते कि मैं बहुत ही बड़ा मिलिटेंट बन गया क्या? मगर तूने तो बताया नहीं। मुझे खुद अभी पता चला। मारा गया सारा काम खराब कर दिया, सारा का सारा काम बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। अबे किसने कहा था उसकी खबर अखबार में छापने को? अब डुबक के बैठ गया होगा कहीं गुफा में जाकर, ढूंढ लो अभी। बात करते हो, जब दिल में आता है बंदूक उठा लिया, जब दिल में आता है गोली चला ली। अबे दिमाग भी चलाया करो, है कि नहीं यहाँ पे? अबे बताओ तुम लोग को ले तुम्हारे छुट्टी चाहिए ना, छुट्टी आए दिन छुट्टी चाहिए। अबे हिल्ला वसिल्ला कर लिया करो कुछ, हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी करवा दूं। ये देख शरीर पाल रखे, बदन देख इसका कैसा हो रहा, इतनी चर्बी इनके शरीर पे नहीं है जितनी इनके दिमागों में भरी हुई है। काम कर लिया करो कुछ काम। लादेन को आप कितने साल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, हाथ में आया? ये भी सला उसी का चेला है, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा ये। क्या जरूरत थी उसकी फोटो छापने की? अबे हम रात दिन इतनी मेहनत कर रहे, अबे हमारी फोटो छाप लो, अबे साहब इतनी दूर से इनकी फोटो छाप लो, हमारी छाप लो कोई, उसकी छापी अले वो पिछवाड़े में गोली दागेगा तेरे, समझ गया? तेरी लाश कम से कम 15-20 दिन के बाद मिलेगी, कीड़े चल जाएंगे उसमें, कीड़े बदबू उठ जाएगी। अच्छा एक बात सुनो, एक नई रिपोर्ट तैयार करवाओ और उसमें लिखो कि जो पिछली खबर हमने छापी थी ना वो बिल्कुल गलत थी, 21 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप बेफिक्र रहे और इस बार रिपोर्ट सही से लिखना। ओए बात क्यों नहीं मानते साहब की? सर ये आप ही का ऑर्डर था। चल इतनी दूर से हमने अपने फुद्दू भाई साहब बुलाए हुए। चल हाँ चलो कुछ साले मुझे सिखाते हैं। चलो अब साहब के लिए कोई मुर्गा वर्गा कटाओ, देसी मुर्गा थके हुए बेचारे। ओ सर जी हाँ। वेजिटेरियन हूँ मैं। अरे वेजिटेरियन में आता है देसी मुर्गा, नॉन वेज में तो इधर बकरे बकरे हलाल होते हैं। अच्छा जी हाँ हाँ, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। अच्छा अच्छा चलो दफा हो जाओ। अच्छा सुनो आप वो नाम बता रहे थे मुझे, कौन था वो जो उसको ट्रेनिंग दे रहा था? कुछ यासिर यासिर करके नाम है साहब, कुछ आरा चलाता है। यासिर भाई अच्छा, कहाँ मिलेगा वो अभी? अरे वो आप मेरे पे छोड़ दो, उसको तो साले को आरे में जाके ठोकेंगे। छोड़ो आप जनाब, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। बहन उर्दू ये मौल भी। क्या नाम है आपका जी? खालिदा। उर्दू आप ही को सीखना है? हाँ जी जी। चले कहाँ? उर्दू सीखने। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छे से सिखाना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब खबर बहुत बुरी है, पूरे इलाके में आपका डर ही नहीं है। सुना है कि नया मुजाहिद है, और ये भी सुना है कि उसामा का खास बनता है वो, हर साल उसामा उससे मिलता है, और जनाब सरकार ने जो इनाम आपके सर पे रखा था ना उससे दूना उसके सर पे रखा है। और हैरत की बात तो ये है कि मेरे जिम्मे भी आता था, और मुझे नहीं पता था कि कितना खतरनाक इंसान है वो। लतीफ नाम है उसका जनाब। या अल्लाह क्या क्या नज़ारे दिखाएगा, जिस फरिश्ते को देखने के ख्वाब देख रहा था उससे मिलाने के लिए दूसरे फरिश्ते को भेज दिया। कुर्बान जाऊं तुम्हारी नियमतों पर, अब लतीफ ही मिलाएगा हमें उसामा बिन लादेन से। ज़रा हम भी तो मिल लें, ले आओ उसे। लतीफ़े वैसे भी तेरे पीछे ना बहुत सारी एजेंसी और पुलिस पड़ी है, और मरने से कम तू कुछ तो कर जा यार, मरने के बाद जन्नत तो मिलेगी तुम्हें कम से कम। मैं कहता हूँ एक बार जहाद के लिए तो आप भाई जा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ملاقات کا شرف عطا ہوا. ہمارا نام کرش انڈیا ہے اور ہم لشکر طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں اور آپ حزب المجاہدین کے لطیف حسین ہیں. دیکھیں آپ کو اس طرح سے اٹھا لانے کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں, لیکن آپ سے ملنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ہمیں تعجب بھی ہو رہا ہے اور فخر بھی کہ آپ کے تعلقات القاعدہ کے سب سے بڑے رہنما جناب اسامہ بن لادن کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک بار جناب اسامہ سے ہماری ملاقات کرا دیجیے. ابے ہٹ جا یار, تیرے کو کتنی بار بولا مارتے کیسے ہیں. تجھے مار مار کے تو یہ بھی مر گیا, اب تو بتائے گا یا میں خود کو گولی مار دوں. اوے ہٹ. بے اس کی وجہ سے خود کو گولی مارے گا اور اس سے مروا رہا ہے. جناور ایسی رشوت اسے بھی کھلا دیا کر, خود کا پیٹ پھلا کے کھڑا ہے. اچھا یہ بتا اسامہ کہاں ملے گا؟ کون اسامہ؟ اسامہ تیرا ماما لادن. لادن ہاں اسامہ بن لادن. چل بتا کہاں ملے گا. جناب جناب اس کا تو مجھے کیسے پتا ہوگا, اس کا تو جارج بش کو بھی نہیں پتا. ابے جوک مار رہا ہے, جوک مار رہا ہے. یہاں پہ جی لکھا ہے, جی لکھا ہے. جی مطلب بے یہ دیکھ رہا ہے یہ کہاں تک کی خبر لا گئی. اچھا چھوڑ. اچھا یہ بتا یہ سالا لطیف کہاں ملے گا؟ لطیف کیا ہوا, کیا کیا سر لطیف نے؟ جناب وہ بہت اچھا لڑکا ہے, بہت سیدھا سیدھا, بکریاں چراتا ہے, سب معاف کر دو. ابے سالے تیرے کو میں انٹروڈکشن پوچھنے آیا ہوں یہاں پہ لطیف کا؟ نہیں نا, میں نے کیا پوچھا لطیف کہاں ملے گا؟ آپ نے نہیں سنا, اس کو تو اٹھا کے لے گیا. ابے تیرا سب کچھ کرش کر دوں گا میں, سب کچھ توڑ تاڑ کے. ایک منٹ ایک منٹ. تجھے یعنی مانے یا جناب آپ کچھ بتا, یہی بتایا سب کچھ, یہی بتا گا سب کچھ. وہ تذکرے توبہ کا جناب بہت بڑا ملیٹنٹ ہے. یہ تذکرے توبہ توبہ مانگے گا تو, توبہ مانگے گا تو میرے سے. مار مار سالے کو مار, تھوڑا اور مار. ساری خبریں ہیں اس کے پاس, سب سے رشتے بنا کے رکھے ہوئے اس نے, نازک رشتے ہیں اس کے سب سے. کچھ نہیں پتا, مجھے معاف کر دو جناب, مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے معاف کر دو. میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, مجھے معاف کر دو. معاف کر دو, میں نے کچھ نہیں کیا, معاف کر دو. اوپر سے آرڈر ہے رحمان بھائی, اگر ہم پانچ چھ دن میں کچھ کر پائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ ہمیں گولی مارنی پڑے گی. ٹھیک ہے چاندنی, تو جانتی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ سی بی آئی آفیسر جسے میں اردو سکھانے کے لیے جاتی ہوں, وہ یہاں لطیف کو پکڑنے کے لیے آیا ہے. بیچارہ لطیف مصیبت میں پھنس گیا. ہائے ربا خالد, اب مجھے کیا پتا تھا لڑکا اتنی بڑی بیوقوفی کرے گا. اب میں کیا کروں گی؟ ابو نے بھی سخت ہدایت دی اس مسئلے سے دور رہنے کی, ورنہ ہم بہت برا پھنس جائیں گے. اب سوچ کیا رہی ہے, کچھ کر. سننا تیری تو ان سے جان پہچان ہے نا, میں تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن تو کر سکتی ہے نا. کتنی بے شرم ہے نا تو, اس کو پھنسا کے. خالدہ مجھے سنا دینا سب بعد میں, لیکن پلیز ابھی سچویشن کو سنبھال لے یار. ٹھیک ہے کچھ سوچتی ہوں, کچھ کرتی ہوں. تو سمجھ گیا آپ؟ جی سر. جا سکتے. سر وہ لطیف ہے نا جس کو آپ پکڑ کے لائے ہو, وہ مجاہدین نہیں ہے, وہ بیچارہ تو سیدھا سادھا بکریاں چارنے والا لڑکا ہے. سر وہ میری سہیلی ہے نا, بہت پیار کرتا ہے اس سے, اسی کے چکر میں جھوٹ موٹ کا مجاہدین بن گیا. سر پلیز آپ اسے چھوڑ دیں, وہ مجاہدین نہیں ہے, وہ بہت سیدھا سادھا ہے.
नहीं माने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा उसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा क्या जादू कर दिया उस छोकरे ने? है ना, तुम पकड़ी ने मारिश। बाकी सब छोड़ो, तुम खुद उनकी तरफदारी कर रही हो। सर मैं तो ले हूं पण उर्दू सीखी गयो। देखो एक बात सुनो, सबसे पहले प्यार और दिल लगे अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, समझ रहे हो? तो मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई चूचा करे, समझ रहे हो आप? और हाँ, खाना खा के जाना। और मारो थोड़ा सा। जनाब 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 गोली मत चलाना जनाब, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, ये लोग चाहते हैं कि आप लतीफ को इधर ही छोड़ के चला जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यही मुझे मेरे आका ओसामा से मिला है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। अगर आप मर जाओगे तो ओसामा से कैसे मिलोगे? खुदा मिलाएगा मुझे इस फरिश्ते के जरिए। देखो क्रश इंडिया भाई, आपको कुछ तो गलत फहमी हुई है, आप गलत इंसान को उठा कर लाए हो, सही आदमी तो ये है, ये है सदा। अरे कुछ बोला ना तो ये मारे ना मारे मैं तुझे यही मार दूंगा, यही है सारी की सारी गलती इसकी, है सारी गलती। अरे ये किसे उठा लाए भाई? देखो हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये लड़का बेकसूर, ऐसे छोड़ दो वरना गोलियां चल जाएंगी। अका बिल्कुल सही करे, ये बिल्कुल बेकसूर है, इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अरे इसे तो बंदूक चलाना तक नहीं आता। अब ये कौन है बे? देखो थर्ड पार्टी भाई, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि ये लतीफ बिल्कुल शरीफ है, सारी गलती इस यासिर भाई की है, सारी की सारी गलती, लेकिन एक क्रश इंडिया पे मान नहीं रहे। यासिर भाई? हाँ हाँ हाँ, ये यासिर भाई सबसे खतरनाक आदमी है, इसने हमारी पूरी कौम को गालियां दी है और सबसे ज्यादा तो आपकी तंजीम को, आपकी। लतीफ पता ना क्या क्या बोला इसने? हाँ, इन्होंने बोला था इन्होंने बोला था कि मुजाहिद जो होते हैं हराम के जने होते हैं, रंडियों की पैदाइश होते हैं, इनका बस चले तो सबको लाइन में लगा के ना सबका कत्ल कर दे एक साथ, बोला था। अरे इस लतीफ को छोड़ो और इस हराम के जने यासिर को पकड़ो। अरे गोलियां क्यों चला रहे हो बे? चला गया। ओ पले बंद हो गया भैया। ओ कार ठीक है? ओ खबर सारी ने कहा के करे वे हो? ओ जल्दी कर। हां चाचू क्यों गयो, क्यों बंद हो गयो टीवी? ओ पूरा ही बंद हो गया, क्या हो गया? ओ बंद हो गया टीवी। अल्लाह यार क्या कर रहा है तू मुझे पे? जल्दी कर जल्दी। जल्दी कर जल्दी कर, नहीं आया तो कुछ भी किधर गया है? मेरा सीधा हाल क्या है? कर रहे हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी।
ਮਹੱਲਾ ਏ ਆ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਸੈਨਾਨੀ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ 1991 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ सारा कुछ वापस ठीक हो गया था। अगले दिन खबर आ गई कि मेरी फ़ोटो गलती से लगा दी थी अखबार में। पुलिस ने ऐलान भी कर दिया था। मेरे घर वापस आने के बाद कोई नहीं आया पूछने, न पुलिस न CBI। मुझे समझ आ गया कि किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे नहीं पता उस दिन के बाद क्रश इंडिया का क्या हुआ। सारा कुछ ठीक था मगर कुछ नई चीज़ें होने लगी थी। अब शाम को कर्फ्यू लग जाता था। शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई भी घर से बाहर जाए तो उसे गोली भी मार सकते थे। ये बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी अब यहाँ। वैसे तो यासिर भाई का हमारे घर में आना जाना बहुत था, अबू जी के पुराने दोस्त जो थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जब भी यासिर भाई से मिलने की कोशिश की वो मुझसे बात नहीं करते थे। यासिर भाई मुझसे बात क्यों नहीं करते थे ये मैं समझ नहीं पाया। मगर एक मुसीबत अभी भी थी। चांदनी से मिलना आसान नहीं था, लेकिन मुझे कुछ भी करके चांदनी से मिलना था। चांदनी से मिलने के लिए उसके घर के पास भी गया मगर वो दिखी नहीं। मेरा चांदनी से मिलना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए मुझे अमित भाई से मिलना पड़ता। मगर उस दिन के बाद अमित भाई से मिलने कभी नहीं गया था। मैं अमित भाई से मिलने जंगल पहुँचा। सुना था उन्होंने भी अब अपने ठिकाने ऊपर पहाड़ियों की तरफ ले लिए हैं। हालात जो ख़राब हो गए थे। उम्मीद भाई ने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे गले से लगा लिया। दोस्त थे, समझ गए होंगे कि मैं डर गया था। अस्सलाम वालेकुम साहब, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है बेटा, और कुछ होना भी नहीं चाहिए, समझा? जी। उस साले लतीफ को कुछ बताया तो नहीं तूने? नहीं नहीं साहब, मेरी बात नहीं होती उससे। पक्का? नहीं, बात नहीं होती मेरी। कुछ मत बताना, समझा? ये भाई, ये बकरा सा मुंह लेके तू आ रहा चला ना, तेरी गर्दन पे आ रहा चलवा दूंगा मैं। हैं? जानता नहीं तू अभी मुझे? हैं? मेरी वर्दी पे स्टार नहीं है, सिर पर टोपी है। अबे चुप है, इससे खतरनाक है। अरे मुझे बोलने दे थोड़ा अभी। और सुन, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे, समझा? उस साले को तो मैं ना खुफिया राज के साथ पकड़ूंगा, समझ गया? ऊपर ऊपर देख, समझा? अरे अभी चल, अभी चल, अभी इधर इधर ही मारेगा उसको, चल। मन तो नहीं हो रहा तुझे छोड़ने का, लेकिन छोड़ रहा साहब कह रहे तो। ऊपर कर, ऊपर कर। एक तू वैसी बड़ी मुश्किल से इन मुसीबतों से निकला, अब फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाना। और आजकल लात बहुत खराब है वैसे भी, इसलिए मैं तेरे साथ आ तो नहीं पाऊंगा, पर रहूंगा हमेशा तेरे साथ। हाँ, संभाल के जाना और इसका ख्याल रख ले, जान है मेरी। उम्मीद भाई आएगी ना? वो क्यों नहीं आएगी यार, अपनी जंग से ज़्यादा ना मुझे तेरी कहानी की फिक्र है। चिट्ठी भेज दी थी मैंने उसको, वो आएगी। तू जा। ठीक है उम्मीद भाई, चलता हूँ मैं फिर। बेफिक्र जा तू। बहुत डेंजर आदमी है ये। हाँ हाँ, बच के रहने से खतरनाक है। इसका पूरा कवरेज ले, समझा? पूरा कवर तो पूरा कर रखा है इस साले को, है ना? पूरे सबूत के साथ पकने जा रहा। ये पूरा कवर है ना, दिखा दिखा कैसे आ रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी, पीछे चल पीछे चल। वैसे भी तू चल नहीं सकता उतना ज्यादा, बहुत डेंजर आदमी है ये। पूरा पूरा कवरेज ले साले का, गन के साथ ले उसका पूरा। कितनी बड़ी वाली गन ले रहा है। पूरा ياخذ
मेरे को वाटरप्रूफ जैकेट दिलवा दो, वाटरप्रूफ जैकेट पहनवा दो जिससे मैं गोली लग के उधर को घूम जा। मेरी शर्मगाह में गोली मार देता हूँ, मुझे बचा लो। आदमी आदमी बड़ा खतरनाक है, आगे से ध्यान रखना, आगे से एसटीएफ या आर्मी को साथ में लेके आना। मेरी जैकेट का ध्यान रखो, वाटरप्रूफ जैकेट। इधर कपड़े के जैकेट पहनने ही है, वाटरप्रूफ के बाद। क्या ड्रामा मचाया हुआ तूने? क्या हुआ जी? क्या हुआ जी पूछा, तुझे नहीं पता क्या हुआ? सुन, मैंने तुझसे कोई डरती शर्ती नहीं, वो तो उस दिन अब्बू थे ना, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। ये बंदूक पकड़ के घूम रहा है, तुझे मिलिटेंट बन रहा है क्या? तुझे पता भी है? मिलिटेंट नहीं, मुजाहिदीन बोलते हैं जी। मुजाहिदीन? आप ही ने बोला था कि मुजाहिदीन बन जा, तो बन गया। लतीफ, अच्छा नहीं लगा? मैं मजाक कर रही थी, बेवकूफ है तू। खैर छोड़। सुनो जी, कब मिलेंगे आप? लतीफ सुन, मुझे नहीं लगता अब हम मिल पाएंगे, पर मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में एक बार हम मिलें। ओके, जैसे आपकी मर्जी। तू ध्यान रखना जी। अस्सलाम वालेकुम अक्का। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम अक्का, इस आपसे कुछ बात करनी। आ जा लतीफे, लतीफे बैठ। अरे बैठ, डर मत यार, इतने भी बुरे इंसान नहीं है हम। बोल क्या कहना चाहता है? वो मुझे शुक्रिया बोलना था जी आपको। अरे शुक्रिया किस बात का लतीफे, हम भी तो इंसान हैं यार, मैंने भी मोहब्बत की थी और उसी से शादी की है, लेकिन जब जहाद के लिए निकला ना, तो वो बेवकूफ़ पता क्या बोलती है, क्या जहाद कर रहे हो आप, कौन रोकता है आपको नमाज पढ़ने से, कौन रोकता है आपको अजान देने से, लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता है कि कश्मीर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ ज़बरदस्ती इज्जत कैसे लूटते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी इज्जतों के साथ कैसे खेलते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं समझेगी। पता है जब मैं आया था ना जहाद के लिए, तो मेरी बेटी 1 साल की थी, आज वो 5 साल की हो गई। तो आपका मन नहीं करता अपने बच्ची से मिलने का? यार मन तो बहुत करता है, लेकिन पता नहीं क्या। अक्का मुझे पता है मैं क्या करना है। लतीफे जी, आज दूसरी बार डर लग रहा है मुझे, एक पहली बार लगा था जब तुम्हारे साथ ड्रामा करने गए थे, और एक आज। एक बात बोलूँ? बोलना। उस दिन भी काम अच्छा ही हुआ था और आज भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। यार अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा ये वाला शीशेर, शीशेर ना, शीशेर ना, शीशेर। मेरा बच्चा। कपड़े? हाँ कपड़े। और क्या चाहिए? चप्पल। चप्पल चाहिए? नादिया समझने की कोशिश करो, जहाद किस्मत वालों को करने क्यों मिलता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस तरह की आजादी चाहिए। क्या कभी किसी ने हमें नमाज पढ़ने से रोका, या फिर कभी किसी ने हमें ईद मनाने से रोका, या कभी किसी ने हमें कोई रोजा रखने से रोका है? ये पहले से कश्मीर जो है ना हिंदुस्तान का नहीं था, और हिंदुस्तानियों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है यहाँ पे। कश्मीर तो पहले कश्मीरी पंडितों का था ना,
उनका क्या, उन्हें भी तो यहाँ से निकाला गया। और वैसे भी कश्मीर कोई देश नहीं था बल्कि एक रियासत ही थी। कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से यहाँ से गए थे, वो अपनी मर्जी से कश्मीर को छोड़ के गए। देखो मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं अपने हक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हक की बात कर रही हो तुम? जहाँ पे 200 लड़कियों की इज्जत लूटी गई और लाखों लोग जो है नौजवान जिनका पता ही नहीं है, और यूपी बिहार से आके लोग हमसे आइडेंटिटी मांगते हैं, उस हक की बात कर रही हो तुम? देखो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारा एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी बच्ची है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम हमारी छोटी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं कौन होता हूँ इस बच्ची के बारे में सोचने के लिए? इसके बारे में तो वही सोचेगा जिसने हम सबको पैदा किया है। मेरा काम है जहाद और मैं जहाद करने जाऊंगा। अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो ये भी समझ लो मेरा जिहाद तेरी बच्ची को पालना है। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? हेलो, तारिक बोल रहा हूँ। बहुत बार सोचा क्या आपको फोन करूँ पर कहीं हिम्मत नहीं हुई। जब निकला था दिल में पत्थर लेके निकला था, लेकिन क्या करता, आज इन बच्चों ने हिम्मत दी तो सोचा आपको फोन कर ही लेता हूँ। क्या हाल है मेरी बेटी का? ठीक। हेलो, एक बार मिल सकते हो? हाँ, वालेकुम सलाम। बैठिए हुजूर। क्या चाहिए आपको? हमें लतीफ चाहिए। लतीफ नहीं मिल सकता आपको? बस इश्कला। मेरा मतलब है कि वो है नहीं जो आप उसे समझ रहे हैं। ये मुझे लगता है उसकी सखी लगती है, इसको काबू करो, लतीफ खुद काबू में आ जाएगा। नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। लतीफ क्यों नहीं मिलेगा आपको? जरूर मिलेगा, बोलना। क्यों चाहिए लतीफ आपको? उस शख्स ने हमारे रहनुमा ओसामा बिन लादेन का नाम मिलाकर उसे खराब किया है।
اور ہمارے رہنما چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیں. دیکھیے لطیف کو تو ہم مارنے نہیں دیں گے, لیکن ایک کام کر سکتے ہیں, اسے معافی نامہ ضرور لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پکڑ کے لاؤ اسے, اس کی ویڈیو سی ڈی بناتے ہیں جس میں وہ قبول کرے گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اسامہ بن لادن سے, اور وہ سی ڈی میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا. انہیں یہ پتا چلے کہ ہمارے شہیدی فوج للو نہیں ہوتے ہیں. بس یہی سب سچ ہے, یقین ماننا لطیف, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا چھوٹا سا مذاق اتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا. تم اتنی بری طرح سے پھنس جاؤ گے. شاید اب ہم کبھی نہ ملیں. ہو سکے تو مجھے معاف کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فین انتا انتا مشکل ہے جی؟ القاعدہ سے اسماعیل اسحاق آئے ہیں, انہوں نے تمہیں بلایا ہے. فین رو. اچھا یلا رو سورا سورا. اس دن تو جیسے لگا کہ میری جان ہی نکل جائے گی. 1990 کی فلموں کی طرح کچھ گنڈے میرے گھر تک آ چکے تھے, اور جیسے ان فلموں کی ہیروئن اپنے کمرے میں پڑی پڑی اپنے عاشق سے ملنے کو تڑپتی تھی, ویسے ہی میں اپنی زندگی کے لیے تڑپ رہا تھا. مگر 1990 کی فلموں کی طرح ایک اچھی بات اور بھی تھی, میرے کمرے میں بھی کھڑکی تھی. وہ یہ کیا کر رہی ہے جناب؟ اس کو باندھ رہا ہوں, یہ باغ تابو.
और हम इतनी दूर से आए हैं लतीफ को लेने के लिए, हम हर हालत में लतीफ को लेके जाएंगे। नहीं यार नहीं, लतीफ को तुम नहीं लेके जा सकते हो, बीच का रास्ता कोई निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता रहने दीजिए जनाब, मुझे लतीफ हर हाल में चाहिए। यही एक रास्ता है कि मैं अपने आका ओसामा बिन लादेन से मिलूं। वो तो शहीद हो गए। क्या, कब? मैंने अखबारों में पढ़ा। ओए अल्लाह, यानी हमारा ख्वाब ख्वाब ही रह गया। ये सही बोलती है, फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? आपको ये भी नहीं पता आप यहाँ करने क्या आए हैं? आपने तो कहा था आपको ओसामा ने भेजा है। कोई ओसामा बिन लादेन ने नहीं भेजा है, हम तो यहीं के हैं। अफगानिस्तान में दुकान चला रहे हैं बंदूकों की, ये सारे मेरे वर्कर हैं, बंदूक बेचते हैं वहाँ पे। हम तो इस शख्स को सबक सिखाने आए थे। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये तंजीमें बदनाम होती है, और तुम लोगों ने पूरे देश में तंजीमों को बदनाम करके रखा है। ओए अब तो मर गया, अब क्या फायदा है बोलने का? ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओए मेरे मिलने का वक्त आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अभी तुमने ये खबर कब सुनी? यही 6 महीने पहले। ओ खुदा के बंदे, ओ पिछले महीने उन्होंने एक नया वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को धमकी दी थी। ओए तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और इसने जोड़ दिया, लेकिन हम इस खबीस को लेके जाएंगे। इस मासूम बच्चे की कुर्बानी दोगे तुम? आएगा मासूम बच्चा है ये? नहीं, इस बच्चे को तुम नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जाएंगे? इस मासूम की कुर्बानी दोगे तुम? किस बात की कुर्बानी है? ये मासूम है? हाँ। कहेगा मासूम है? ओ इसको मैं लेके जाऊंगा, मुझे ओसामा से मिलना है। मैं ले जाऊंगा, मैं लेके दिखाओ, मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, लेके देखो, मैं लेके जाऊंगा। इस मासूम को कोई नहीं लेके जाऊंगा। रहने दो कुर्बानी, कुर्बानी तुम्हारा धंधा, तुम्हारा कारोबार, इसको मैं लेके जाऊंगा। तुम इसको धंधा कराओगे मासूम बच्चे को? धंधा कराएगा, दुकान पे काम करेगा। कोई नहीं लेके जाता, मैं लेके जाऊंगा। अरे तैयार रहो, जब तक हमारी तंजीम है ऐसे कोई नहीं ले जा सकता। आपकी तंजीम को मैं हमारी तंजीम सबसे बड़ी तंजीम है, मैं लश्कर चलाता हूं, मैं सब गलत तंजीम है। स्टॉप। अच्छा सुन, ये क्रश इंडिया कहाँ है और ये लतीफ को कहाँ लेकर गए? मैं नहीं जानता। नहीं जानता। ए, मार इसको। रुक रुक, हमेशा मारने मरवाने में तू आगे रहता है। सुन तुझे बता दो है, हम तुझे मार नहीं सकते, तुझसे रिश्ता इतना नाजुक है, इसलिए हमारी मजबूरी का फायदा मत उठा। बता दे, शादी में नया बहनों ही ढूंढने गया था? ट्रेनिंग जिम में? ट्रेनिंग किसको दे रहा है बता दे, बता। नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। पकड़ी? नहीं जानता तू? नहीं जानता? अरे अल्लाह का वास्ता, ना कर ना कर ना कर, बताता 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 बताता। मैं जानता हूँ उसे कहाँ ले गए। पूरी तैयारी हो गई है? सब रेडी है। पक्का? गुड। याद रखना साला, एक भी बच के नहीं जाना चाहिए, समझे? एक भी नहीं बचेगा साला, आज सबको ढेर कर देंगे। जनाब जंग पे निकलने से पहले मुझे वाटरप्रूफ जैकेट चाहिए। अच्छा, सब मिलेगा तुझे, पहले इनको एक गन दो। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है? खालिदा की अच्छी वाली दोस्त है। मेरा नाम चांदनी है, वो मुझे खालिदा ने सब बताया। सर लतीफ बेकसूर है। देखो मैडम, आप जो कोई भी हो, कौन बेकसूर है और कौन नहीं है वो हमें अच्छे से पता है। हम अपने तरीके से काम कर रहे, वैसे भी उसकी वजह से आज यहाँ पर लश्कर और अलकायदा तक पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि ये साले सब लोग इस जन्नत जैसी खूबसूरत जगह को अफगानिस्तान बना दे, हमें इन्हें मानना होगा। सब मेरी वजह से उल्टा सीधा हो गया है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, पर आपसे एक गुजारिश है, अगर आप उसे पकड़ ही रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उसे ज़िंदा पकड़ें। मैडम आपको पता है इस पुंछ में और बफलियाज में कितने मिल्टन से? आपकी सोच से भी ज़्यादा। इन जाहिलों को बेवकूफ़ बनाकर जन्नत के सपने दिखाकर यहाँ पे भेज दिया जाता है मासूमों की जान लेने के लिए, और ये साले सब के सब चले भी आते। और वैसे भी आपके कुरान में लिखा है ना कि जब एक मासूम की मौत होती है
تو پوری انسانیت مرتی ہے. تو مار دیا انہوں نے انسانیت کو, اور اب ان کا جنت جانے کا وقت آ گیا ہے. اور ویسے بھی میں 21 تاریخ کا اور انتظار نہیں کر سکتا. میرے پاس یہ آخری موقع تھا. ایک اور گزارش ہے, اگر آپ اس سے ملتے ہیں یا وہ آپ کو زندہ ملتا ہے تو میری طرف سے آخری بار اسے معافی ضرور مانگ لیجیے گا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ.
गोलियां चला बे। नवीत Yeah.
सुन, मैं तो चला जाना तैयार, मगर तुम्हें जैसे कंजर को इतनी जल्दी जन्नत मिलनी नहीं चाहिए। देख, मैं सारी बंदूकें उठा के उनकी तरफ तान दे, लगेगा कि हम सब अभी जिंदा हैं, पास नहीं आएंगे। मुझे डर लगता है, मैं आपके लिए अच्छा मुजाहिद नहीं बन पाया। मुजाहिदीन नहीं, तू तो मेरा पुलिस वाला है। चल क्या रहा है बे, कोई है कि नहीं वहां पे? जनाब बड़ी तेज से वहां से फायर किया है, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा देर वेट करो फिर हम चलते हैं। ओके जनाब।